नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल का नाम है कमर्शियल वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टाटा की LPT 1212 मॉडल। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ लेट किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस गाड़ी का मॉडल, जो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, 1212 मॉडल है ये, टाटा की LPT 1212 मॉडल। एक वॉक अराउंड ले लेते हैं पहले गाड़ी का, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले जो टाटा का 1100 आता था दोस्तों, उसी तरह का ही मॉडल है, BS6 इंजन के साथ। ये देखिए दोस्तों, टाटा का LPT 1212 मॉडल। दोस्तों चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे इस गाड़ी में इंजन की। तो दोस्तों, इसका जो इंजन मॉडल है दोस्तों, वो है टाटा का 3.3 लीटर न्यू जनरेशन का CR BS6 इंजन। इसमें आपको 4 इनलाइन सिलेंडर्स मिलते हैं। इसका 100 mm का बोर रहेगा, स्ट्रोक रहेगा 105 mm का। कैपेसिटी दोस्तों इसका रहेगा 3300 cc का, 3300 cc का। और इसमें मैक्सिमम पावर मिलता है दोस्तों आपको 125 PS का 2600 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क मिलता है 390 Nm का 1000 से 2200 RPM पे। अब दोस्तों बात करें क्लच की, तो क्लच आपका सिंगल प्लेट डाइफ्रेक्शन टाइप रहेगा, हाइड्रोलिक एक्यूटेड में। और इसका दोस्तों आउटसाइड डायमीटर रहेगा क्लच का, वो रहेगा 330 mm का। दोस्तों ये था इसका क्लच। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी हम लोग गियर बॉक्स का। तो इसमें आपको गियर बॉक्स मिलता है दोस्तों, वो मिलता है टाटा का GB40 सिंक्रोमस टाइप में। इसमें आपको 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गियर मिलता है। तो दोस्तों आपका टोटल गियर हो गया दोस्तों इसमें 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। अब दोस्तों इस गाड़ी का हम लोग बात करने जाएंगे, वह है दोस्तों इसका रियल एक्सल की। दोस्तों इसमें आपको मिलता है RA1068 मॉडल का दोस्तों रियल एक्सल, और फ्रंट एक्सल मिलता है दोस्तों हैवी ड्यूटी फॉक्ड आईबीएम रिवर्स एलियट टाइप। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी लोड बॉडी का। तो एक आपको जो हाईडेक ऑप्शन आपको मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए जो हम लोग दिखा रहे हैं, और एक मिलता है कैबिन में विदाउट लोड बॉडी बोलते हैं उसको, जो इसमें सिर्फ कैबिन रहेगा। तो दोस्तों ये दो मॉडल अवेलेबल है 1212 में। अब दोस्तों बात करेंगे स्टेयरिंग की, तो इसमें आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेयरिंग मिल जाता है। ब्रेक की बात करें दोस्तों, डुअल सर्किट फुल एयर SKM ब्रेक मिलता है आपको। ड्रम ब्रेक रहेगा दोस्तों एट फ्रंट एंड रियर दोनों में। और दोस्तों ड्रम ब्रेक का अगर डायमीटर की बात करें तो 325 mm का डायमीटर रहेगा। और दोस्तों अब बात करेंगे दोस्तों इस गाड़ी का सस्पेंशन की। तो दोस्तों इसमें जो सस्पेंशन मिलता है दोस्तों, आपको मिलता है सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग एट फ्रंट एंड रियर विद ऑक्सिलरी स्प्रिंग्स एट रियर ओनली। अब दोस्तों बात करेंगे इस गाड़ी का हम लोग शॉक एब्जॉर्बर का, तो वो मिलता है आपको हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप एट फ्रंट एंड रियर। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इस गाड़ी का टायर का। दोस्तों सबसे पहले आपको टायर हम दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, JK टायर है इसमें। JK टायर का मेक है, साइज है 8.25 R20। ये देखिए दोस्तों, ट्यूबलेस रेडियल टायर है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया टायर। अब बात करेंगे दोस्तों रिम की, तो 7.5 × 17.5 इसका रिम है। इस टोटल आपको 7 टायर्स मिलते हैं, पीछे में 4, स्पेयर व्हील में 1 और फ्रंट में 2। अब दोस्तों बात करेंगे इसका फ्यूल टैंक की। तो जो फ्यूल टैंक दोस्तों हम लोग दिखा रहे हैं आपको सामने में, ये देखिए, ये है इसका फ्यूल टैंक, डीजल टैंक। ठीक इसके बगल में देखिए DF टैंक भी है, जिसे हम लोग एड ब्लू टैंक बोलते हैं, यूरिया टैंक बोलते हैं दोस्तों। और ये है डीजल टैंक। तो डीजल टैंक का कैपेसिटी रहेगा दोस्तों 120 लीटर का, 120 लीटर्स का कैपेसिटी है इसमें, आप डीजल भर के जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी फ्रेम की, जो चेचिस फ्रेम जिसे बोलते हैं, तो वो लैडर टाइप हैवी ड्यूटी फ्रेम है दोस्तों, जो टाटा मोटर यूज करती है अपनी हर गाड़ी में। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी वोल्टेज की, तो 12 वोल्ट की इसकी वोल्टेज है, सिस्टम वोल्टेज। और ऑल्टरनेटर कैपेसिटी 120 एम्पियर की है, और बैटरी 12 वोल्ट की बाई 100 एम्पियर। दोस्तों ये था इसका। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसकी मैक्स स्पीड, जो कि 80 किलोमीटर पर आ रहे हैं
SLD के साथ, मैक्सिमम स्पीड दोस्तों लिमिट 12-12 मॉडल की। अब बात करेंगे इसकी ग्रेडिबिलिटी की, तो इसमें 28.80% की ग्रेडिबिलिटी है, जो कि चढ़ाई लांगने की क्षमता बोलते हैं हम दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों बात करेंगे इसकी मिनिमम टर्निंग सर्कल, जो कि घूम जाए दोस्तों, बहुत कम रास्ता में घूम जाए, वो है दोस्तों इसका 12.3 मीटर का। तो 12.3 मीटर में दोस्तों ये टर्न कर लेगी गाड़ी, जो कि बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों बात करेंगे इसका GVW का, तो 11,990 kg का GVW है इसका, 11,990 kg का GVW मिलता है आपको। इसका मैक्सिमम परमिशन FAW है 3,980 kg और RAW है 8,010 kg, और मैक्सिमम पेलोड मिलता है दोस्तों हाईडेक मॉडल, जो ये मॉडल दोस्तों इसमें पेलोड मिलेगा आपको 7,927 kg का, और जो लोड बॉडी विदाउट लोड बॉडी जिसमें हाईडेक नहीं आता है केबिन वाला मॉडल में, उसमें मिलेगा आपको 9,110 kg का। तो दोस्तों ये था दोनों गाड़ी का पेलोड। अब दोस्तों हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी का सामने जाकर, और क्या क्या नया नया चेंजेस है वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं हम लोग पीछे से। सबसे पहले दोस्तों इसका देख लीजिए, पहले बैकलाइट तो वही सेम है, लेकिन अब आपको कवर मिल रहा है और साथ में पार्किंग सेंसर्स दिया जा रहा है, जो कि गाड़ी अब पीछे करते वक्त ये एक साउंड ब्लिंक करेगा। ये देखिए दोस्तों, टोटल 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 सेंसर्स आपको मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसका दोस्तों लोड बॉडी देखिए, 22 फीट का, 19 फीट या 22 फीट में अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका लोड बॉडी। अब चलिए दोस्तों दूसरा चेंज देखें हम लोग, तो इसमें आपको अभी DF टैंक मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, जो इससे पहले भी दिखा दिए थे आपको, 35 लीटर्स का कैपेसिटी के साथ। ये देखिए दोस्तों, पहले गाड़ी में नहीं आता था, लेकिन अब BS6 गाड़ी में दोस्तों अब सब में आपको कंपलसरी हो गया है यूरिया टैंक। अब दोस्तों हम लोग भीतर जाएंगे। ये इसका सीट देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल सीट है। ये देखिए, पहले भी आपको मिलता था नॉर्मल सीट मिलता था, लेकिन अब से दोस्तों देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल सीट दे रहा है। इसकी कुशनिंग भी बहुत अच्छी है और फैब्रिक भी अच्छा यूज किया हुआ है। ये इसकी कीज की बात करें तो कीज देख लीजिए दोस्तों, 2 इग्निशन की है, 2 यूरिया टैंक की है और 2 डीजल टैंक की है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का पैडल, और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट को आगे पीछे। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अंदर और गाड़ी को एक बार देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये इसका पावर स्टीयरिंग देखिए दोस्तों, काफी स्मूथ है। और इसका कैबिन देखिए दोस्तों, प्लास्टिक क्वालिटी पहले से अच्छा है दोस्तों। इसमें आराम से 2 लोग बैठ जाएंगे, देखिए दोस्तों 2 क्या 3 भी बैठ जाएंगे। ये देखिए, वहां पे एक हेडरेस्ट भी आपको मिलता है। और ये इसका गियर लीवर पैटर्न देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1 रिवर्स। और ठीक नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो आपको म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है अभी आपको हर LCV गाड़ी में। ये देखिए, मैं अभी आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये हमने ऑन कर दिया, ये इसका पावर बटन है दोस्तों, ये देखिए ऑन हो गया, FM में है। और हम लोग ऑफ कर देते हैं। ये इसका ब्लोअर है, ये देखिए दोस्तों ये ब्लोअर। और यहाँ पे आपको हाई स्पीड USB केबल मिलता है, अपना फोन चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। और ठीक है, नीचे में आपको लाइटर भी मिल जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लोव बॉक्स है दोस्तों, आपके पेपर वगैरह रखने के लिए।
यहाँ पे एक हेल्प का स्विच मिलता है दोस्तों, ये स्विच यूज होता है अगर कहीं आप फंस जाएं तो इससे अगर आप दबा देंगे तो आपका नजदीकी कोई भी पुलिस स्टेशन या टाटा मोटर्स से भी आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ पे कैसा है क्या नहीं, डेंजरस सिचुएशन है कि नहीं। ये आपका हैंड ब्रेक। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसका सबसे मेन डिजिटल मीटर में। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफ है, ये हमने ऑन किया। अब दोस्तों अभी का टाटा का हर गाड़ी में आपको क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको स्टार्ट करके पहले सुना दें। तो दोस्तों ये था इसका साउंड। अब दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग कैबिन से नीचे आ गए हैं। एक बार दोस्तों कैबिन का ये लुकिंग ग्लास देख लीजिए दोस्तों, दो ठो है यहाँ पे मिलता है आपको राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में तीन ठो, और एक फ्रंट में भी मिलता है आपको लुकिंग ग्लास। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस गाड़ी का प्राइस का। तो दोस्तों इस गाड़ी का जो प्राइस है दोस्तों वो है 19 लाख रुपीस। और अगर दोस्तों माइलेज की बात करें दोस्तों इस गाड़ी का, तो दोस्तों इस गाड़ी का माइलेज मीटर में आपको 10 का शो करता है, लेकिन ओरिजिनली आपको 8 से 9 का माइलेज मिल जाता है। तो दोस्तों हम अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो आगे भी इसी तरह लाते रहें। दोस्तों हमारे इस वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।